हम जय हिंद। आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स यार, पता नहीं है। जय हिंद यार, बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं। बनी बात है, आधा देश क्या सभी सो रहे होंगे जनरली, ये मेरा भी टाइम नहीं है वो। सवाल वो है, देखो एक जितने लोगों को नहीं पता है यार उनके लिए ये बात है, मैं बिल्कुल नहीं कभी चाहता था, मैंने बोला था मैं लाइव और इन सब चीज़ों से बच रहा था, मैं नहीं आना चाह रहा था, बट बहुत परेशान हूँ मैं मैसेज से लेके, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों के अपने ही जो लोग हैं यार उनके बहुत परेशान हैं सब। वही वाली बात है ना, वो कितना तकलीफ वाला माहौल है। सबसे पहले समझ लो कि जिन लोगों को नहीं पता है ना, अर्बन में है बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सबसे पहले ये समझ लिया जाए दोस्त। अभी मैं किसी के सवाल और कमेंट्स का जवाब देखता हूँ, समझ में आएगा तो ठीक है, पर दोस्त मैं डिस्टर्ब नहीं बोल सकते। दुख, सवाल, गुस्सा बहुत सारा है साला इन लोगों के ऊपर, क्योंकि क्या बोले अभी, मतलब ऐसा है ना कि यार उन माँ को, चलिए 3:32 पे एक कॉन्वॉय निकला, जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं त्यौहार वैलेंटाइन डे ये सब बनी बात है, सी के अधिकार है मनाना चाहिए यार जो सब है, लेकिन उनके लिए बात कर रहे हैं। दोस्त 3:32 पे कॉन्वॉय निकलता है जम्मू से कश्मीर जाने के लिए, अनंतपुरा करके जगह है, 78 गाड़ियों का कॉन्वॉय था जिसमें 2500 लोग थे, और रीज़न ये था 2500 लोग जनरली कॉन्वॉय में नहीं होते, सीआरपीएफ का वो था, जनरली होते हैं उसमें 1000 लोग होते हैं, लेकिन पिछले जो है वो 3-4 क्योंकि 3 दिन से बर्फबारी हो रही थी वहां पर, कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, तो वो जो है ना दोस्त वो मूवमेंट नहीं हुआ इसलिए इकट्ठा हो गया 3 दिन के बाद। यहाँ पर सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जो इंसिडेंट हुआ है, जो एक स्कॉर्पियो करके गाड़ी थी 450 किलो एक्सप्लोजिव, जो इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइसेस जो होता है आईडीज के थ्रू या मोबाइल के थ्रू, कैसे हुआ इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लेकिन बहुत बड़ा थप्पड़ मार दिया गया है, और ये तमाचा जो है ना वो हर हिंदुस्तानी पर हो गया है, हर भारतीय के लिए हो गया। उसका एक रीजन बताता हूं, क्योंकि यार अभी देख रहे हैं इस पे बहुत सारी चीजें, पता नहीं मुझे किस जो है अवंतीपुरा वाली जो बात है, हम बोल रहे हैं कि आज पुलवामा में जो ये कैसे सबसे इसके सवाल है, देखिए आज लांछन और ये सब, मुझे सबसे पहली बात ये ना कि मैं एक लिस्ट पोस्ट करूंगा अभी, आप देखिए उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मरने वाले जो जवान थे ना सिपाही, वो हर धर्म के थे, लेकिन यार ये ना कर दे अब कोई कि इस पे साला इस पे भी कोई अपनी राजनीति, अपनी मैंने जुबान दी है ना, और मैं जुबान का मेरी माँ बाप से सीखा पक्का हूं मैं किसी की, वरना ऐसा लग रहा ना आज वो, मैं हमेशा कहता हूँ संविधान का बहुत सम्मान करता हूँ, कानून का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन आज वो अंदर से जो भावना है ना कि साला नाखून डाल के हाथ जाके इनसे चीर दो सालों को, प्रॉब्लम ये नहीं, देखो आतंकवादी हमेशा से साले गद्दार भड़ुए हरामी थे, उनकी बात नहीं कर रहे। और रही बात है कश्मीर के यूथ की जो इसमें इन्वॉल्व हुए, यार आज वो सीआरपीएफ के जो जवान थे 76वीं बटालियन के, उनसे जब गाड़ी आके टकराई है, जब वो लाशें हुई है, यार उनके माँ बाप को क्या जवाब देंगे, कभी सोचा अपने आप से, माँ बाप को उनकी लाश, उसकी बीवी को, उसकी बेटी को, यार कम से कम एक सिपाही की लाश मिलने का हक तो होता है, कम से कम वो हक भी छीन लिया तुमने उन माँ बाप से। और कौन सा साला कुरान को बदनाम करने वाले, इस्लाम को बदनाम करने वाले, ये साला जो लौंडा इसके जो पीछे है, क्यों बे तू साले, ये मौलाना अजहर मसूद और जो तुम्हारा बाप है ये हाफिज सईद साले, प्रॉब्लम वो नहीं है यार वहां पर उन लोगों के जो ये जैश ए मोहम्मद है जो गारंटी लिया इनका, जो अहमद लौंडा है, जो तू कालापुरा का लौंडा है, तू साउथ कश्मीर का, तेरे को क्या लगता तू बचेगा? मैं हिंदुस्तानी फौज में नहीं हूं, लेकिन मुझे अपनी हिंदुस्तानी फौज के बारे में बहुत अच्छे से पता है। अब ना तेरे को, अबे तेरे को मौत भी चाहे तो नहीं, हिंदुस्तानी फौज अब तेरा जो करेगी, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस जो अब तेरे साथ जो होगा, तो तू तेरा जिससे जो जिससे दुआ करता है कर ले, क्योंकि तेरे उस ऊपर वाले को भी पता होगा मासूम को मारने वाले को कोई नहीं छोड़ता है। यार मैं इतना, जो लोग बोलते हैं गाली गलौज, अबे मैंने जुबान दी लेकिन सुनो एक सच्चाई बताऊं, हकीकत ये है, बड़ा सवाल। चलो अब सवाल पे बात करते हैं, और आपको भी ना जितने लोग देख रहे हैं अपने आप से सवाल पूछना। सबसे बड़ी चीज ये है, आज हम पॉलिटिकल पार्टी, इसको ना पॉलिटिक्स से ऊपर रखना पड़ेगा, ध्यान रखना है ये बात, दिस ब्लडी थिंग हैज टू बी कैप्ट आउट ऑफ एवरी इंडिविजुअल पार्टी। क्या आप इसमें भी पॉलिटिक्स कर लोगे? वो जो जवान मरा ना, वो बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी ये देख के नहीं मरा, वो हिंदू, उसमें से हिंदू भी थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, वो ना वो जवान मरने वाला
इस वतन के लिए मरा है, उस तिरंगे के लिए मरा है कि आप और हम खुली सांस ले सकें। और जिनको फर्क नहीं पड़ रहा, जो अभी सो रहे हैं, सोते रहो, एक दिन तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे ये, उस दिन जागना। यार समझ में ये नहीं आ पा रहा है मुझे कि आप और हम जैसे लोग, आज हमको जिम्मेदारी क्यों नहीं है, हमें भी लेना पड़ेगी ना। आज मैं बनी बात है, मैं इनकी फंस चुका हूं यार, जुबान भी देखे। लेकिन चलिए कंसर्न पे बात करते हैं। कंसर्न क्या है, 350 से 400 आज मेरे जो फैन क्लब बच्चे चलाते हैं, मैं तो जानता भी नहीं यार, बहुत सारा मेरे को समझ में भी नहीं आता, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, ये सब चीजें मेरे जो बच्चे चलाते हैं, उनके मैसेज पढ़ के मुझे रोना, आज आंसू रूख रोई है यार। आज उस माँ बाप के बारे में सोचता हूँ, 2500 में से 400 बच्चों की शहादत हुई है, जो सॉरी मेरी भाषा के लिए 40 जवान जो खत्म हुए। लेकिन उन हर माँ को आज कांपती होगी, माँ बेटी बहन बेटा कांपता होगा कि कहीं फोन आया तो, खुशी होती है। लेकिन खुशी से बड़ी बात यह है कि यार डर लगता होगा उनको, डर लगता होगा उनको कि यार मेरा बच्चा आज कहीं, उसके मरने की तो खबर नहीं आई है, और किसके लिए जान दी है, ये सवाल पूछा कभी आपने अपने आप से? और सुनो, अभी अगर पॉलिटिक्स इससे बड़ा ना साबित कुछ नहीं कर सकते। आज एक बात बताइए, 350-400 किलो एक्सप्लोसिव, अबे मजाक है, भूखे नंगे लोग साले, भूखे नंगे लोगों के पास इतना पैसा कहां से आया? दूसरी चीज, सबसे बड़ा इशू मालूम है क्या तुमको, जब वो कॉन्वॉय जम्मू से निकला कश्मीर जा रहा है, इस बीच में साले गद्दार भड़ुए हैं कौन? ये साले हैं कौन जो इन्फॉर्म कर रहे हैं? ये इन्फॉर्मेशन देने वाले वो साले आतंकवादी तो हैं ही दुश्मन हमारे यार, ये भड़ुए हरामी साले हमारी तरफ से इन्फॉर्मेशन देने वाले कौन है? लोग मुझसे पूछते ना सर गुस्सा, अरे गुस्सा नहीं करे, पूजा करें इनकी मां, ये चल रहा राजे, इनकी पूजा करें सालों की। हम सुन में मौलाना आजाद मसूद और हाफिज साईद साले, अरे तुम बहुत अपने आप को मर्द समझते हो, आतंकवादियों का लश्कर तो जैसे मोहम्मद के साले बाप समझते हो, नेतों पे हाथ चला रहे हो बे। वो बैठा हुआ बच्चा वो कौन बाजार, किसकी सुरक्षा के लिए जा रहा जम्मू कश्मीर में आदमी? वो जम्मू से कश्मीर इसलिए जा रहा था कि भारत में रहने वाले उन मुस्लिम भाइयों का, हिंदू भाइयों का जो कश्मीर में रहते हैं बच्चे, जो पढ़ाई करते हैं। अबे 2000-4000 बार तो हम चिल्ला चुके होंगे बे, अब तो जाग जाओ, तुम्हारा उपयोग हो रहा है। कुछ कह रहे फिदाई नगर हमला, उसमें एक आदमी था, ये मरने का तरीका है, ये जन्नत जाने का तरीका है तुम्हारा? कौन सी जन्नत बे, जो वतन है सबसे बड़ी जन्नत है, इस जन्नत को फूंक दिया आपने। और ये साले बाप बने जो है ना, ये सुनो, अब सिर्फ हमको प्रॉब्लम पे बात नहीं कर रहा है, सॉल्यूशन ना, एक मिनट, जब कॉन्वॉय जाता है दुनिया के किसी भी कोने में, तुमको एक उदाहरण देता हूं, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं है, ये टेररिस्ट के खिलाफ एक जंग वाली बात है। एक बात बताइए, अब सवाल सब पे हो चुका है, मैं बात सिर्फ सवाल की नहीं कर रहा हूं, मैं बोला अब जवाब क्या है। एक बात बताइए, जो कॉन्वॉय जाता है ना, कॉन्वॉय दोस्त, कॉन्वॉय को एक हवाई जहाज एयर कवर क्यों नहीं होता है? आज जो आईडीज एंटी माइंस एंटी आईडीज करना पड़ेगी, प्रॉब्लम हमको पाकिस्तान में बैठे हुए उन गद्दार, पाकिस्तान का आम आदमी भी नहीं चाहता होगा ये, कोई भी आम आदमी किसी भी दुनिया का, ये जो पाकिस्तान में बैठे गद्दार, जो उस देश के भी सगे नहीं है, इन गद्दारों से एक बात बताओ तुम, इन गद्दारों ने जो ये करवाया है, इनको कौन सी जन्नत मिलेगी भी, कौन से धर्म में, कौन से मजहब में, ये बदनाम कर रहे हैं उल्टा। तुमने उनके चीतड़े उनको मारा है, तुमको क्या लगता बचोगे? अरे तुम जहां चाहते हो दुनिया के जिस कोने में, फर्स्ट तुम्हें ढूंढ के ठोकेगी बेटा, और उन आकाओं की भी ऐसी तैसी होगी। मैटर ये है साला, अब आप गुस्सा मालूम कर रहे हैं, मैं बोलता हूं, मैं ये कदमी है, किसी ने लिखा है बीजेपी गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग बिग रीजन वॉर इन इंडिया, पागल है क्या बे तू? बीजेपी कांग्रेस के बाद कहां से आ गई, पागल है तू जो यहाँ ये कमेंट लिख रहे हो? आज वहां लोग मरे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मरे, यहाँ बीजेपी कांग्रेस की बात मत करो बे साले, यही प्रॉब्लम है अपने देश में। वो जो शहीद मरा ना, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए नहीं मरा। आज साले तुम बीजेपी की बुराई करो, कांग्रेस की बुराई करो, अबे शर्म करो बे अपने आप में बे, हमारे वतन में इतना गुस्सा है साला, उस माँ का सोचा है बे? तुम साले यहाँ पे बैठ के इसको पॉलिटिकल एजेंडा बना रहे हो, ये चल के उधर से आगे दे।
हाँ अबे क्या बीजेपी और कांग्रेस की बात कर रहा हूं, तुम्हारे घर से गया कोई लाशें देखिए कभी? फिर बोलेंगे आप गुस्सा करते। अबे मैं तो इनकी मां साला, ये किसी पार्टी का नहीं है, ये किस लिए मरा है? वो जो एक सिपाही मरा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जनरल लिस्ट भेजूंगा देख लेना उसमें सब है। लेकिन हाँ सिविल में आप ये मुद्दा बना दोगे दोस्त। एक चीज बताता हूँ, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक सामान्य भारतीय के नाते हम सबको ना जिम्मेदारी लेना पड़ेगी, थोड़ा सेंसिबल यहां से आप सबको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। कुछ आएंगे इंटेलिजेंस पे सवाल उठा देंगे, कुछ आएंगे सवाल उठाएंगे। तुमको पता है कि तुमको पता है आप सिर्फ मुंह चला सकते हो। यहां पर एक मौका मिला है, आज आपको एक मौका है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनको नंगा करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज ये है, ना मर्द की मत दिखाइए हर पॉलिटिकल पार्टी। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, एक सवाल है मेरा, एक सवाल मेरा। मैं छोटी सी चीज बताता हूं और पूछता भी हूं, जो लोग अभी भी सो रहे हैं ना इस देश में उनको सोने दीजिए, उनका कुछ नहीं होगा। जब उनके घर में घुस के आतंकवादी हमला होगा उस दिन उनको समझ में आएगा, पहली बात, क्योंकि उनके घर का कोई मरेगा, ठीक है। दूसरा एक सबसे बड़ा कंसर्न ये ना, हर पॉलिटिकल पार्टी को ये बात याद रखो, हर पॉलिटिकल पार्टी को इकट्ठा होके एक मौका मिला है यार, इस चीज में गद्दारी मत करो। राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत के सिपाहियों की शहादतों पे मत करो ना यार, कम से कम हर चीज पे कर लेना मेरे दोस्त, आपका धंधा है चलता है, शहादतों पे मत करो यार। उनने जाना हर पार्टी के लिए दी है, एक पार्टी का आदमी नहीं है वो, जिन्होंने वहां शहादत दी। यहाँ पे सॉल्यूशन जो है ना, सॉल्यूशन मैं बोलता हूँ, डिबेट्स पे जाइए चिल्लाइए सब चीज है, लेकिन जो भी आदमी, मैं खुला चैलेंज करता हूँ, एक बार मर्द बनने का मौका मिला इस देश के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी, व्हाई वी कैन नॉट क्रिएट अ ब्लडी नो टॉलरेंस पॉलिसी आतंकवाद के खिलाफ। और एक सिंपल बात बताऊं, दिल से बोल रहा हूं ये चीज, मैं शब्दों का उपयोग नहीं करना चाह रहा था इज्जत रखते हुए, लेकिन एक बात सुनो मेरी, जो इनके इन्फॉर्मर्स हैं सालों को खड़ा करो, अनंतपुरा में पकड़ के लाओ, उनको खड़ा करके उनकी गांड में गोली मारो सालों की, उनको जिंदा जलाओ। ये साले दहशत पैदा कर रहे हैं हिंदुस्तान में, इन सालों की रूहें कांपना चाहिए। और आप पॉलिटिकल विल कर लीजिए, क्यों संसद नहीं बुलाई जा सकती कल, क्यों 370 को अबॉलिश नहीं किया जा सकता है, क्यों वो सेक्शन नहीं हटाया जा सकता है? साला वहां पर बैठ के आप हमारी खा के, ये इन्फॉर्मर तो साले हमारे ही लोग हैं ना जिनने इस कॉन्वॉय की इन्फॉर्मेशन दी है, ये साले हमारे लोग हैं जिनके लिए ये फोर्स उधर पे लड़ रही है। आप एयर कवर, आप बात करते हो साहब, एक बार बोल के तो देखिए पॉलिटिकल विंग। हिंदुस्तानी फौज के दो प्लेन घुस गए जिनके घर के इनकी घुसेड़ के, अबे पागलों वाली बात है, क्योंकि गए हैं घर, गए हैं अपने लोग यार। आप साले अपने लोग मरते हैं जब अपने घर का कोई जाता है ना। और एक बात सुनो, आज यहां पर मेरे इस पे मोदी राहुल गांधी ये आम आदमी, अबे सुनो इससे ऊपर उठो बे, मैं बोलता हूं मैं इज्जत करूंगा उस आदमी की चाहे वो कोई भी हो। यहां बात अब सर की है दोस्त, यहां सम्मान की, आत्म सम्मान यार। यार वो बच्चे जो जा रहे थे वो कौन है? वो आप जैसे एक किसान के घर का हो गई कोई, ये सब आम घरों से जाके फौज वहां पर गए सीआरपीएफ में, आज सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स प्रोटेक्शन वर्ड। एक बात है, इनका प्रोटेक्शन क्या? मेरा दो सवाल है, मैं बजट की बात नहीं जानता हूं, मैं छोटा आदमी हूं, मैं ज्यादा नहीं समझ जाता, मैं इमोशन समझता हूं। लगी है आज यहां लगी है, और इससे ज्यादा मेरी कांड पे पीछे लात पड़ी है, एक हिंदुस्तानी होने के नाते मेरे ऊपर लात पड़ी है, क्योंकि हम साला हम इनका जब तक जवाब नहीं देंगे घुसते रहेंगे मारते रहेंगे, दहशत इनके सर कट के जब तक नहीं टंगेंगे ना। और एक मिनट, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी है साला, अगर गद्दार है इन्फॉर्मर, कोई भी है इन्फॉर्मर, या जिनने खबर दी है, जिनने इसमें प्लांट करवाया है, जिनने ये असला बारूद प्रोवाइड करवाया है, सालों को ना खड़ा करो। मैं बोलता हूं संविधान के समर्थ, क्यों हम एक ऐसा लॉ नहीं बना सकते हैं कि देशद्रोही जो भी हो उसको खड़ा करके मारिए। रही बात सॉल्यूशन की, एक दो सवाल है मेरे, हर पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा नेता की बात कर रहा हूं मैं, कोई भी हो चाहे ठीक है, हर पॉलिटिकल पार्टी के बड़े आदमी को क्या मिलता है उसके कॉन्वॉय के साथ? दो चीजें, एक बुलेट प्रूफ गाड़ी मिलती है, ठीक है। मेरी अपील है, मेरा सुझाव है, क्यों हम इन पूरी की पूरी कॉन्वॉयस को क्यों
हम पूरे से पूरे कॉन्वॉय को हम क्यों नहीं बुलेट प्रूफ दे सकते? पहली चीज, मान लीजिए बहुत बड़ा बजट है, अगर नहीं कर सकते, मान लीजिए, एक बार बताइए, जैमर, नेताओं की गाड़ी के आगे जैमर लगता है, जैमर चलता है, राइट? क्यों इसके सामने, अगर ये मान लीजिए मोबाइल के थ्रू एक्सप्लोज किया गया, मोबाइल के थ्रू ब्लास्ट किया गया है, राइट? अगर ऐसा हुआ है मान लीजिए, तो मैं ये बात करता हूं, क्यों हमारे कॉन्वॉय के आगे, चाहे वो सीआरपीएफ का हो, चाहे किसी भी सीएपीएफ के फोर्स का हो, चाहे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का, जब कॉन्वॉय गुजरता है, एक बात बताइए, उस कॉन्वॉय में क्यों जैमर्स नहीं चल सकते, आगे क्यों नहीं चल सकते, रिगिंग पार्टी? और सुनिए, ये बड़े प्रोटेक्टेड एरिया में हुआ हमला, ये बहुत बड़े प्रोटेक्टेड एरिया में हुआ है। मैं ये एक मिनट, जो सवाल उठाएंगे ना अभी मैं बता देता हूँ, ये बैठ के वो बीजेपी को, वो कांग्रेस को, वो इनमें सबसे बड़ी चीज है, जो भी आदमी इसको मुद्दा बनाए, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी का हो, सिर्फ आप हिंदुस्तानी होने के नाते एक जमीर याद रखना, उस आदमी को अगर आपने वोट दिए, चाहे वो कोई भी हो यार, मैं बोल रहा हूं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को, इसका मतलब है फिर आप में भी जमीर मर चुका है। दिस इज नॉट अ ब्लडी पॉलिटिकल एजेंडा, इट इज एन एजेंडा, इट इज एन इशू ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल सेल्फ रिस्पेक्ट। आज सालों ने आके आपके घर के मारे ना बस, मतलब मैं ना मर्दगी की हद हो जाएगी अगर आप जवाब नहीं दिए गया। और मैं तो बोल रहा हूं ना, व्हाई नॉट द एयर कवर कैन बी गिवन, व्हाई नॉट अ बजट, पर्टिकुलर बजट कैन बी एलोकेटेड। और एक बात बताओ, सीधी सी बात है, आप जो बात कर रहे हो ना, एक मिनट, यहां पॉलिटिकल विल की ही बात है, क्लियरली सुन लीजिए, इसमें कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए, कोई भी डिस्कशन नहीं होना चाहिए। यहां पर एवरी पार्टी, हर पार्टी को एक साथ मिलना चाहिए। आप 35A 370 की हम बात करें सेक्शन की, मैं बोलता हूं यार वो सब सेक्शन वो बनी बात है, सब अबॉलिश करो, सब अबॉलिश करो। यहां पे बात ये मासूमों को मारने की बात है, और ये इस्लाम के नाम पे कर रहे हैं, इनने पढ़ा भी है बे इस्लाम? क्या पढ़ा है? हदीस पढ़ी है तुमने? क्या लिखा है? वल हन्ने सद्दल्लल्लाहु हस्सिल कलम हो इन महा बोले दस तद्र महा इबो हन्न तत्सम महा करुली शुल व महबोय एला महू इन सदा वो रकली सिन इन महा रसूल इन नहा सुन इन महा बोले तिन इन महा वो दिशिल न कम मुहम्मदस। अब इसका मतलब पढ़ना साले जाके, मतलब पढ़ना इसका समझ में आएगा साले, अपना अपना ट्रांसलेशन लेके बैठे हैं कुरान शरीफ का। अबे तुमने बदनाम किया है किसी मजलूम मासूम निहत्ते को मारना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी धर्म में नहीं लिखा है। कौन सी जिहाद की बात करते हो? जिहाद का मतलब है साले खुद के अंदर, खुद से किसी के खिलाफ नहीं है। तुम लोगों ने ना आज जो ये किया है, ये एक मिनट, निंदा निंदा घंटा निंदा, अबे डंडा कहां है? निंदा करेंगे सब मिलके अभी, बहुत बड़ी निंदा। हिंदुस्तान में जब तक, एक मिनट, मैं इसलिए चाह रहा हूं, मैं इसलिए बात कर रहा हूं, जिनको ये लगता है ना दोस्त, अपने आसपास वालों को बताइए, कई तो ऐसे भी होंगे अभी सो रहे होंगे, सुबह उठ के तुमको काम जाना है, ठीक है, तुम्हें सुबह उठ के जाना है, वो मर रहा है उधर, कैसे नींद आएगी बे? ये बात इमोशंस की, अब बात जो है ना, एंड हियर एवरीबॉडी हैज टू अंडरस्टैंड, एवरीबॉडी हैज टू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट अ ब्लडी पॉलिटिकल गेम। कुछ लोग कहते हैं कि गोली मार दो पॉलिटिशियन को, यू आर स्टूपिड, आप बेवकूफ हैं। मैं क्या कह रहा हूं समझिए, पॉलिटिशियंस को मारने से क्या बात कर रहे हो आप? इट्स अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, एक भारत एक गणतंत्र, समझते हैं आप? आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटिशियंस को ही ये करना है, इट इज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल विल। सब पॉलिटिशियंस जितने हैं सबको अपनी पॉलिटिकल विल पे मिलना पड़ेगा, हाँ, सबको अपनी पॉलिटिकल विल। क्या पॉलिटिकल विल? सॉल्यूशन में बात करो, देखो अभी डिबेट्स होंगे, सब चलाएंगे, आधे इसकी बुराई करेंगे, आधे उसकी बड़ाई करेंगे, अबे मैटर कुछ और है, मैटर ये है, हर डिबेट के अंत में आप मुझे सॉल्यूशन बताइए। You talk about bloody solution. ये चालू कर, इसका solution की बात करो, समझ में आया आपको? हर पार्टी को कुछ चीजें रूल्स क्लियर करना पड़ेंगे, हर पार्टी को मिलकर। एक बात बताओ, आतंकवादियों को बचाने के लिए कई बार हुआ है कि बड़े बड़े लॉयर्स, बड़ी बड़ी पार्टीज के वो चले गए वहां पर, कहां पर गए वो?
वो सुप्रीम कोर्ट जाके जमानतों की अर्जी लगाते हैं और आतंकवादियों को बचने की बात करते हैं साले। अबे तुम में जमीर है बे, यहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली बात नहीं है। और एक बात बताओ, कहां गई है ह्यूमन राइट्स वाले? ह्यूमन राइट्स साला, जब आतंकवादी को ठोकती है फौज तब तुम साले मोर्चा निकालने लगते हो। अब क्या बे, अब क्या गुस्सा मालूम है? बात गुस्सा गुस्सा, अच्छा हम प्यार से बैठे रहे, आप आए साले मार के जाए। अबे कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हमको उनकी तो चिंता करना पड़ेगी। सुनिए साहब, एक बात सुन लो, जितने देख रहे हो सब, मैं एक हिंदुस्तानी के तौर पे बात कर रहा हूं। अगर मेरे जो पाकिस्तानी जानने वाले हो, अमेरिका जो भी जाके हो, सबसे पहले एक बात बताओ, यही चीज, चलो एक किस्सा बताता हूं। गुश शियोन करके एक जगह है इसराइल में, वहां पे 3 बच्चे किडनैप हुए थे, ठीक है? वो बच्चे पता चला कि आतंकवादी संगठन ने मार दिया। मालूम है 52 दिन तक युद्ध चला और घुस के वहां पर उन टेररिस्ट को, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली मिलती हूँ, टेररिस्ट डिफाइंड थे, वहां घुस के वहां पर 4,700 टेररिस्ट को ठोक दिया, ठीक है? और इसराइल की अगर मैं बात कर रहा हूँ, इसराइल जो है ना 81 लाख की पॉपुलेशन का देश है, इतनी तो हमारी फौज है, आर्म्ड फोर्सेस है, उसके बाद CAPF है, 7-7 CAPF है। दोस्त आप सबको कुछ नहीं कर सकते ना, कम से कम इन शहादतों का सम्मान, सो रहे हैं उनको जगाइए जरा कि साहब यहाँ लोग मर रहे हैं, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। और इसको पार्टीवाद से, पॉलिटिक्स से, इन सबसे ऊपर उठ के सिर्फ इतना सोचिए कि मैं और आप इसके कितने जिम्मेदार हैं, हम क्या बदलाव ला सकते हैं। यार इसको भी अगर एजेंडा बना दिया और अगर ये भी मर गया ना, यह बात स्ट्राइक की नहीं है, अरे सुबह से शाम तक स्ट्राइक, 2 एयरफोर्स के प्लेन हिंदुस्तानी फौज के जाएंगे ना, खत्म करके आ जाएंगे। लेकिन मासूमों को मार रहा है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का उसूल नहीं है, ये मार रहा है साले मासूमों को। सो बॉस इट्स लाइक आई एम इन पेन, यार इससे ज्यादा बोलूंगा मैं गाली गलौज, पता नहीं क्या मेरे को लगता है खुद का मोबाइल नहीं। लोग बोलते ना गुस्सा, अबे सुनो बे, हम ऐसे हैं बे, हमें दुख लगता है क्योंकि मेरे भाई मरे हैं, तुम्हारा साले जिसका कुछ नहीं गया, तुम बैठे रहो साले, तुम्हारे घर में एक दिन कोई घुसेगा ठोकेगा, उस दिन तुम रोते रहना। एंड दैट इज अ ब्लडी प्रॉब्लम कि हम सब, हाँ अभी तो कश्मीर में हो रहा है, अबे सुनो जर्मन बेकरी में उनने पूना में भी ठोक चुके, पूना में भी मारा मासूमों को, ठीक है? उनने अटैक किया है बहुत जगह, अक्षरधाम पे भी हुआ था। आप सुनो, इसको पॉलिटिकल एजेंडा से बड़ा बनाना पड़ेगा, इसको पॉलिटिकल एजेंडा से बड़ा बनाना पड़ेगा, समझ में आ रही है? या लगाओ, पॉलिटिकल एजेंडा से बड़ा बनाना पड़ेगा इसको, आप सबको, हम सबको, एंड यू ऑल विल हैव टू डिसाइड दिस। सरकार नहीं चाहिए यार इससे अच्छा तो कोई भी हो, चाहे आज अगर कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, कोई भी इस पर मुद्दा बनाती ना, यू मेक श्योर अपने बच्चों की कसम खा यार, जिनके फ्यूचर में ऐसा आतंकवाद होगा आपके शहरों में, आपके घर में घुस के मारेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है आप कि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के बाद ना, आप सब जितने हैं हम लोग, हम सब ये डिसाइड करें कि बॉस इतना अब तो प्रेशर करना पड़ेगा हर सरकार को, चाहे कोई सी भी सरकार हो, और इस पे जो भी मुद्दा करें ना उसका बायकॉट करो। नथिंग इज ब्लडी बिगर देन माय नेशन, मेरे राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी, ना कोई नेता, ना कोई, जिनकी माओ के लाल गए ना, जाना जरा, मुझे पता है मैं फील कर रहा हूं, मैं क्या सुन, कब जब से हुआ इतना डिस्टर्ब हूं। सो ऐसा है, अपनी जिम्मेदारी लो। तू किस बात का है ना, अभी बहुत सारे आ जाएंगे इसमें दोस्त, इस पे पॉलिटिक्स नहीं, नो मुझे लगता है अब सॉल्यूशन की अगर हम बात करें ना, बहुत सिंपल है, फिर से बोल रहा हूं, सीधी सी बात है, रूल नंबर 1, द ब्लडी इन्फॉर्मर्स हैव टू बी फाउंड आउट, एंड इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज, व्हेन इट कम्स टू द मिलिट्री इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज आर कैपेबल एनफ। मैं आपको बताता हूं, ये तो लौंडा ठोकेगा, कालापुरा का जो लौंडा है ना, जो ये साउथ कश्मीर का जिसने जिम्मेदारी तुम लोग जैश ए मोहम्मद, ये बात तो बहुत क्लियरली कर लो। और रही बात हमारी भी, हमारी छोड़ो बे, हम जैसे लाख थे, हैं और आएंगे, हमारी छोड़ो, बट मेरा ये, अगर लोगों ने जिम्मेदारी दी है, हमें अपनी आत्माओं से पूछना पड़ेगा अपने आप पे, इफ यू हैव अ ब्लडी इनसाइड फीलिंग विच इज कॉल्ड द कॉन्शियंस, पूछिए अपने आप से यार, पूछिए जरा। उन माओ के बच्चे गए, ये मत सोचिए कि आपके इधर कुछ नहीं होगा, आई एम शेकिंग इट अप एंड आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, कल आपके घर में घुस के ये मारेंगे। इसलिए आज समर्थन कीजिए उन सिपाहियों के परिवार का, जिन माओं ने अपने बच्चे खोए हैं, प्लीज डू दैट।
इनका समर्थन कीजिए, उनको इज्जत दीजिए, और सबसे बड़ी चीज अवेयर कीजिए लोगों को कि ऐसा हमला हुआ है एंड वी हैव टू कंडेम, बट इट इज नॉट अबाउट ओनली ब्लडी कंडेमनिंग। ये नहीं है कि आपने कंडेम कर दिया, अरे कब तक निंदा करते रहोगे बे, देयर हैज टू बी अ ब्लडी प्लान फॉर इट। आगे चल के इनके दिलों में दहशत चाहिए, और इनके दिलों में मैं बोलता हूं ऐसा सॉल्यूशन जो अग्री करते हैं वो लोगों को बताइए कि हाँ ये सॉल्यूशन होना चाहिए। इनफॉर्मर सबसे बड़ा गद्दार वो है जो हिंदुस्तान में बैठ के, जो हिंदुस्तान में बैठ के वहां के आकाओं को खबर देता है। वो तो टेररिस्ट से उनकी प्रॉब्लम नहीं, जो इंडिया में बैठ के गद्दार है साले। दीस ब्लडी गाइस हैव टू बी आंसर्ड। इन सालों को लाओ उसी जगह पे जहां पे पुलवामा सेक्टर में इनको इकट्ठा करो, इनकी गांड में गोली मारो, सालों को जिंदा जलाओ। जब तक इनके दहशत नहीं होगी आतंकवादियों को कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं यार। जिसको समझ में आए समझो, मेरे को बहुत, मैं अलग मूड में हूं अभी, क्योंकि मुझे लगता है ना जो शहादत है मुझे जाना है। कल 25 लोगों की फ्यूनरल इकट्ठे वहां पर करना है मुझे, वहां पे 25 से 50 पता नहीं कितने लोगों के पास जाके हमको उनकी लाश। अबे तुम क्या समझते हो बे, वो क्या जाने। और सुनो, दिस इज अ मैसेज टू एवरी पॉलिटिकल पार्टी। जिस देश में अगर तुम पैदा हुए पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, फॉर एवरी इंडिविजुअल एंड एवरीबॉडी हु रिप्रेजेंट एनी पार्टी, इसमें मुद्दा मत बनाना दोस्त। हाथ जोड़ के एक निवेदन है आपसे कि इसमें मुद्दा मत बनाना, इसमें इकट्ठे होके डू समथिंग फॉर दिस कंट्री। यार अपने आप से, अपनी पॉलिटिकल पार्टी से इस देश को रखो, राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ा कोई नहीं है। कल जब राष्ट्र नहीं रह जाएगा तो घंटा क्या कर लोगे। इस देश की सुरक्षा पे बात आ गई, इसकी इज्जत पे। उन मासूम जिनके परिवार के बच्चे गए, बहनें गई हैं, जिनके बच्चे गए उनकी बहनों को क्या जवाब दोगे। कुछ लोग होंगे साले बोलेंगे हमने मुआवजा दे देंगे, या कुछ ऐसे भी अमीर आ जाएंगे बोलेंगे हम आपको 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए देते हैं। पता है तुमको, एक बात बताता हूं, बेटा गया है, देगा बेटा तू? बेटा गया ना जिसका वहां मरा है, उसका बेटा दे पाएगा बे तू 2 लाख 5 लाख रुपए में? ला, एक सिंपल सा रूल होना चाहिए, जो भी इन टेररिस्ट एरियाज में जो भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी एक पोस्ट पे बैठा है, अगर ऐसा कुछ होगा उसके लड़के को उसकी पोस्टिंग पे भेजो। ये जो है ना, सुनो।